देश के अलग अलग हिस्सों में बारिश का कहर जारी है। इस बीच जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ के एक गांव में बादल फटने की घटना हुई है। ये हादसा किश्तवाड़ जिले के हुंजार इलाके में हुआ है। सुबह तड़के करीब 4:20 पर यहां पर बादल फटा, जिससे 6 से 8 घर इसकी चपेट में आ गए। इलाके में बादल फटने के बाद कई लोग लापता हैं। राहत और बचाव कार्य के लिए सेना, पुलिस और स्थानीय प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक यह हादसा डिचन के इलाके में हुआ है, जहां पर सड़क नहीं है, और इस हादसे में 6 से 8 घरों समेत 1 राशन डिपो को नुकसान पहुंचा है। दूसरी तरफ बादल फटने से किश्तवाड़ के आसपास के इलाकों में 4 पुल भी तबाह हो गए। इस घटना में 4 बकरवाल समेत 35 लोग लापता हैं। फिलहाल रेस्क्यू टीम ने 6 शव बरामद किए हैं और 12 लोगों को बचाया गया है। शुरुआत में 4 शव बरामद किए गए थे, लेकिन बाद में 2 और शव मिलने से मरने वालों की संख्या 6 हो गई। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने ट्वीट करके जानकारी दी कि आर्मी और SDRF की मदद से राहत बचाव कार्य जारी है। 30 से 40 लोग अब भी लापता हैं। घायलों को एयरलिफ्ट करने की जरूरत पड़ने पर इंडियन एयरफोर्स से भी संपर्क किया गया है। ऐसे मामले में एयरफोर्स की मदद भी ली जाएगी। आपको बता दें कि हादसे में अब तक जिन लोगों के शव बरामद हुए हैं, उनकी पहचान सज्जा बेगम, रकिता बेगम, एक खाना बदोश, गुलाम नबी तांत्रे और अब्दुल मजीद के नाम से हुई है। वहीं स्थानीय पुलिस ने ट्वीट करके इस हादसे की जानकारी दी है। प्रशासन ने कई हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। SSP किश्तवाड़ 9419119202, एडिशनल SP किश्तवाड़ 9469181254, डिप्टी SP मुख्यालय 9622640198, SDPO एथौली 9858512348, जिसमें कहा गया है कि आप आपात स्थिति में इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। इस बीच मौसम विभाग ने 30 जुलाई तक रुक रुक कर बारिश जारी रहने की संभावना जताई है। विभाग का कहना है कि जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में भीषण बारिश की आशंका है, इसी वजह से अचानक बाढ़ आ सकती है। मौसम विभाग ने बताया कि निचले क्षेत्र में जल भराव हो सकता है। विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। वहीं बादल फटने की इस घटना पर गृह मंत्री अमित शाह ने दुख जताया। उन्होंने ट्वीट करके लिखा, किश्तवाड़ में बादल फटने के संबंध में मैंने जम्मू कश्मीर के LG और DGP से बात की है। SDRF, सेना और स्थानीय प्रशासन बचाव कार्य में लगा हुआ है। NDRF भी वहां पहुंच रही है। अधिक से अधिक लोगों की जान बचाना हमारी प्राथमिकता है। शोकाकुल परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। वहीं राज्यपाल मनोज सिन्हा ने अपने ट्वीट में लिखा कि मैंने वरिष्ठ अधिकारियों और किश्तवाड़ जिला प्रशासन से बात की। लोगों को बचाने और लापता लोगों का पता लगाने के लिए सेना और SDRF की टीम युद्ध स्तर पर काम कर रही है। मैं स्थिति पर लगातार नजर रख रहा हूं।